अरे भाई अब तो मुझे बता दो, मैम सबिका ने क्यों बुलाया था तुम्हें अपने ऑफिस में? बताया तो है, एक काम था। अच्छा, और वो जो तुम्हारे धुआंधार कजन का ढिंढोरा पिटा हुआ है पूरी यूनिवर्सिटी में, उसने क्यों एंट्री मारी थी? देखो कोई तो बात है, अब तुमने मुझे नहीं बताना तो वो एक अलग बात है। भैया मुझे नहीं पता कि किस बात का किस बात से ताल्लुक है, लेकिन तुम्हें हजार बार मना किया मैंने कि इस तरीके से ये सारी चीजें काने की उठाकर ऐसे किताबों पे मत रखा करो, नीचे तेल लगा होता है, खराब हो जाएगा। ये तुम ले मत जाओ। खाओ, मैं जाके आयशा के साथ शेयर कर लूंगी। वैसे भी मुझे उसके पास जाना था अपने यूएसबी के काम से। बाय। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? तुम पीछा छोड़ दो तो अच्छे हो ही जाएंगे। अभी आप क्यों अमरोज का फोन उसकी बीवी नहीं उठा सकती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब रिश्ता डगमगा है ना तो बीबियां ऐसी ही बातें करती है, तराने नहीं सुनाती। भाभी मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप मेरे साथ ऐसी बातें मत करें। प्लीज मेरी लाला से बात करा देना। क्यों क्यों परेशान हो? वो बेचारा इतने दिल से तैयार होकर इतनी दूर तुमसे मिलने आया, उसे धक्के दिलवाकर तुम्हारी परेशानी दूर नहीं हुई? मैं वाकई नहीं जानती कि दरअसल मुझसे मिलने आया था। क्यों तुम हॉस्टल में नहीं रहती? क्या सर पढ़ाई का बहाना करके अमरोज को अपने जाल में फंसाने का कोई नया तरीका ढूंढ रही हो? भाभी ए लड़की मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, शहर के रजिस्टर पर तूने अमरोज का नाम लिखवा लिया है ना? ये बस वही तक मैं दूध रहे, कहीं और लिखवाने की जरूरत भी मत करना।